हेलो स्टूडेंट्स, आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चुंबकन क्षेत्र किसे कहते हैं। तो बताया था कि जिस चुंबकीय क्षेत्र में हम पदार्थ को रखते हैं और वो चुंबकीय क्षेत्र पदार्थ को चुंबकित कर देता है, उसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। चुंबकन क्षेत्र को एक वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए, जैसे धारावाही प्रणालिका हो, ठीक, धारावाही प्रणालिका का चुंबकन क्षेत्र, ध्यान देना, धारावाही प्रणालिका का चुंबकन क्षेत्र H बराबर होता है N इंटू आई। N क्या है? प्रणालिका की प्रत्येकांग लंबाई में फेरों की संख्या, और I क्या है? प्रणालिका में प्रवाहित होने वाली धारा। देखो, प्रणालिका भी हो सकती है और यहां पर हो सकता है टोराइड, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र टोराइड के भीतर होता है वही प्रणालिका में होता है। तो जो चुंबकन क्षेत्र प्रणालिका का होगा वही टोराइड का होगा। हमें यहाँ पर छूट क्या रहा है? यहाँ पर म्यू नॉट छूट रहा है, बस म्यू नॉट हटा देना है, जो भी सूत्र में बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा? चुंबकन क्षेत्र हो जाएगा। इसी प्रकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकन क्षेत्र, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकन क्षेत्र क्या होता है? केंद्र पर चुंबकन क्षेत्र, धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकन क्षेत्र होता है B इक्वल टू एन आई अपान में आर। ठीक, एन आई अपान में टू आर। आर कुंडली की त्रिज्या है, आई कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा है, और एन क्या है? कुंडली में फेरों की संख्या है। लेकिन बात हम कर रहे हैं चुंबकन क्षेत्र की, तो एच से इसको लिखेंगे, एच बराबर एन आई बटे में क्या? टू आर। और धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं आप लोग म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट हट रहा है, बाकी वैसे आ रहा है। ठीक, आप देखिए, आपके तीन वेक्टर हो गए। पहला वेक्टर क्या था? बी वेक्टर क्या था? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। एच वेक्टर क्या है? बाह्य चुंबकन क्षेत्र। और आई वेक्टर क्या है? आई वेक्टर है पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता। ठीक, तो एच वेक्टर, बी वेक्टर, एच वेक्टर तथा आई वेक्टर में संबंध होता है, रिलेशन है बी वेक्टर, एच वेक्टर, आई वेक्टर में। क्या संबंध है? ध्यान दो, जो एच वेक्टर बराबर होता है एच, एच का मान बी वेक्टर अपान में म्यू नॉट माइनस आई वेक्टर होता है। एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण। और आई क्या है? चुंबकन की तीव्रता। तो एच वेक्टर, बी वेक्टर, आई वेक्टर में ये संबंध होता है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर बराबर में बी वेक्टर अपान म्यू नॉट, यहां से बी का मान क्या निकल आएगा? म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर, चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर में इस प्रकार से संबंध रखता है, बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर प्लस आई वेक्टर। ठीक, इसको ध्यान रखना, आगे इसका यूज करेंगे। इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे चुंबकशीलता, ध्यान देना, चुंबकशीलता जिसको आप म्यू म्यू नॉट पढ़ते हैं, जैसे निर्वात या वायु की चुंबकशीलता को आप म्यू नॉट लिखते हैं। आज पढ़ेंगे किसी भी पदार्थ की चुंबकशीलता, यह आपकी चौथी डेफिनेशन होगी चुंबकशीलता। देखिए, आपको बताया था कि जब हम किसी पदार्थ को बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, ठीक, तो अचुंबकित हो जाता है, उसके में एक अपना चुंबकत्व उत्पन्न होता है और एक बाहर का होता है। तो बाहर उसके अपना उत्पन्न चुंबकन का जो परिणामी होता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण कहते हैं। तीन वेक्टर अभी तक आए थे, एक बी वेक्टर आया था चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, एच वेक्टर चुंबकन क्षेत्र, और एक आया था चुंबकन की तीव्रता। ठीक, चुंबकशीलता को हम चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण और चुंबकन क्षेत्र एच से परिभाषित करते हैं।
कैसे परिभाषित करते हैं, लेकिन उसको भी जानने से पहले कुछ और जान लो। चुंबकशीलता का अर्थ होता है कि पदार्थों का वह गुण जिसके कारण पदार्थ बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर जो जितनी ज्यादा जल्दी चुंबकित हो जाता है, ठीक, उसकी चुंबकशीलता ज्यादा होती है। किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यह प्रदर्शित करती है कि वो किसके भीतर चुंबकन क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के भीतर रखे जाने पर कितनी सरलता से चुंबकित होता है। जितनी सरलता से, जितनी शीघ्रता से कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित हो जाएगा, उसकी चुंबकशीलता उतनी ज्यादा होती है। डिफाइन कैसे करते हैं, देखो, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर तथा चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर, एच वेक्टर के अनुपात को, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक, किसके, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी वेक्टर चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर का जो रेशियो होता है इसको हम पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका प्रतीक म्यू है, ठीक, इसका प्रतीक म्यू है, तो म्यू बराबर क्या सूत्र आ जाएगा, म्यू बराबर आ जाएगा बी वेक्टर अपान एच वेक्टर। बी वेक्टर और एच वेक्टर का जो अनुपात होता है इसे हम कहते हैं चुंबकशीलता। और इसका अगर परिमाण लिखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपान एच, चाहे बी वेक्टर बटे एच वेक्टर लिखो वेक्टर फॉर्म में, और चाहे हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी अपान एच। इसका मात्रक देख लो, मात्रक क्या आएगा, बी का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक, बी का मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एच का मात्रक है एम्पियर प्रति मीटर, ठीक, मीटर से मीटर यहां कट जाएगा तो बचेगा क्या, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक जो है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर होता है। वैसे आप कहीं निकाल सकते हैं, इसका वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर रख ले तो कुछ और आ जाएगा, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी आ सकता है, ठीक, या मुख्य मात्रक जो है सब जगह यही लिखते हैं न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसके बाद इसका विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं, विमीय सूत्र न्यूटन, न्यूटन बल का मात्रक है, जिसका विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस टू, और नीचे एम्पियर का स्क्वायर करेंगे एट, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस टू ए वन। इसका विमीय सूत्र हो गया एम एल टी माइनस टू ए वन। देखिये निर्वात या वायु की चुंबकशीलता, ध्यान देना, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से लिखते हैं, चुंबकशीलता को किससे व्यक्त करेंगे, म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, से व्यक्त करते हैं, ठीक, और म्यू नॉट का मान क्या आता है, म्यू नॉट का मान आता है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक। निर्वात या वायु की चुंबकशीलता को म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, और म्यू नॉट का मान कितना होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक। तो चुंबकशीलता ध्यान रखेंगे कि पदार्थ जो जितनी सरलता से चुंबकित होगा, ठीक, और उसको हम चुंबकशीलता बोलेंगे, जितनी सरलता से पदार्थ चुंबकित हो जाए। और पदार्थों के लिए, सभी पदार्थों के लिए सूत्र ये है, निर्वात या वायु के लिए म्यू नॉट, म्यू नॉट से इसको लिख देंगे या म्यू जीरो से लिख देंगे, ठीक। इसके बाद आएंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। ध्यान दीजिए, अभी आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी, केवल चुंबकशीलता, ठीक, इसके बाद आप पढ़ेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता।
देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता पांचवी, आपेक्षिक चुंबक शीलता। देखिए आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, जैसे हमारा कोई भी पदार्थ है ठीक, पदार्थ की चुंबकशीलता को हम मिल से लिखते हैं और निर्वात या वायु की चुंबकशीलता को निर्वात से लिखते हैं। तो पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता का जो अनुपात होता है उसे आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। जो भी पदार्थ है ये भी लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की जो आपेक्षिक चुंबकशीलता है वो पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के अनुपात के बराबर होती है ठीक। इसका प्रतीक म्यू आर क्या लिखेंगे कि पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात या वायु की, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता के, चुंबकशीलता के अनुपात को ठीक क्या कहते हैं, वायु की चुंबकशीलता के अनुपात को उस पदार्थ की, जिस भी पदार्थ के लिए लिखा है, जिस भी पदार्थ के ऊपर चुंबकशीलता रखोगे उसमें निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। देखिए इसका प्रतीक क्या है, मिवार है, तो मिवार बराबर क्या आएगा, पदार्थ की चुंबकशीलता और बड्डे में क्या आएगा, निर्वात या वायु की चुंबकशीलता। देखिए ये भी चुंबकशीलता है, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर आएगा, और ये भी पदार्थ की चुंबकशीलता है, इसका भी मात्रक न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होगा। तो इसलिए मिवार आपेक्षिक चुंबकशीलता का कोई मात्रक नहीं होगा ठीक। ध्यान दीजिए, फैराडे, माइकल फैराडे ने चुंबकत्व के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा था ठीक। एक आपके होते हैं प्रचुंबकीय पदार्थ, दूसरे अनचुंबकीय पदार्थ, तीसरे लौह चुंबकीय पदार्थ ठीक। तो देखो म्यू आर का मान देखकर किसी पदार्थ के लिए हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वो पदार्थ प्रचुंबकीय होगा या अनचुंबकीय होगा या लौह चुंबकीय होगा। ध्यान दीजिए, देखो यदि म्यू आर इज लेस देन वन, यदि म्यू आर का मान एक से कम है तो पदार्थ जो है प्रचुंबकीय होगा, म्यू आर एक से कम तो पदार्थ क्या होगा प्रचुंबकीय, यदि म्यू आर इज लेस देन वन तो पदार्थ कैसा होगा प्रतिचुंबकीय ठीक। और यदि म्यू आर का मान एक से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक से थोड़ा ज्यादा, एक से बड़ा है ठीक, यदि म्यू आर इज ग्रेटर देन वन तो पदार्थ अनचुंबकीय होगा, कैसा होगा अनचुंबकीय ठीक। और यदि यदि म्यू आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, तो जैसे म्यू आर का मान 50 है 100 है तो पदार्थ आपका होगा लौह चुंबकीय ठीक। आपको दिया जाए म्यू आर का मान, यदि एक से कम दिया गया है तो पदार्थ प्रचुंबकीय होगा, एक से बड़ा दिया गया है तो पदार्थ अनचुंबकीय होगा, और यदि एक से बहुत बड़ा दिया गया है तो पदार्थ आपका कैसा होगा लौह चुंबकीय होगा ठीक। तो ये चुंबकन से संबंधित पांचवी परिभाषा थी। इसके बाद ध्यान दीजिए एक और परिभाषा बची है, सिक्स नंबर, वो है चुंबकीय प्रवृत्ति। देखिए जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति जितनी ज्यादा होती है वो पदार्थ बाहर के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ठीक बहुत शीघ्रता से चुंबकित होते हैं। किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति आपको दर्शित करती है कि वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में कितनी शीघ्रता से चुंबकित होता है ठीक। चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय, देखो चुंबकीय प्रवृत्ति भी कह सकते हैं और चुंबकीय
सुग्राहिता भी इसको कह सकते हैं कि किसी पदार्थ की चूंकि सुग्राहिता का क्या आशय है तब भी ये लिखा जाएगा किसी पदार्थ की जो शुद्धि सुग्राहिता होती है ठीक वो हमारी ये प्रदर्शित करती है कि पदार्थ बाह्य चुंबन क्षेत्र में कितनी शीघ्रता से चुंबकित होता है। उन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्यादा होगी जो पदार्थ में शीघ्रता से चुंबकित चुंबकीय प्रवृत्ति को डिफाइन करते हैं आई वेक्टर और एच वेक्टर से ठीक। किसी पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर ठीक तथा चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर का जो अनुपात होता है इसे हम चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं ठीक। ध्यान दीजिए चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर तथा चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर के अनुपात को ठीक चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं ठीक। इसका प्रतीक ध्यान देना इसका प्रतीक काई एम ठीक इसका प्रतीक क्या है काई एम ठीक है। और काई एम बराबर क्या लिखेंगे आई वेक्टर अपान एच वेक्टर या इसको लिख सकते हैं आई अपान एच ठीक। इसका प्रतीक काईएम है काईएम बराबर क्या आ जाएगा आई वेक्टर अपान एच वेक्टर या फिर आई अपान एच। देखिए यदि काईएम का मान ऋणात्मक है कैसा है यदि काईएम ऋणात्मक है तो पदार्थ की प्रकृति जो है तो पदार्थ प्रचुंबकीय होगा अर्थात प्रचुंबकीय पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो ऋणात्मक होती है जीरो से कम होती है ठीक। यदि काईएम धनात्मक व कम है धनात्मक है व छोटा जैसे धनात्मक का अर्थ है कुछ भी मान हो सकता है लेकिन छोटा हो जैसे 1 हो या 0.99 हो 0.98 हो 0.80 हो धनात्मक व छोटा तो पदार्थ आपका होगा कैसा अनचुंबकीय। यदि काईएम का मान धनात्मक व छोटा है तो पदार्थ कैसा होगा अनचुंबकीय ठीक। और यदि काईएम धनात्मक व बड़ा है मतलब धनात्मक है और वैल्यू बहुत ज्यादा है ठीक तो पदार्थ आपका कैसा होगा तो पदार्थ होगा लौह चुंबकीय ठीक। याद रखिए जैसे काईएम का मान 100 दिया है 50 दिया है तो आपका पदार्थ जो है कैसा होगा लौह चुंबकीय ठीक। चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर का रेशियो जो होता है इसको हम चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं। इसका प्रतीक काईएम है काईएम बराबर आई वेक्टर अपान एच वेक्टर या फिर आई अपान एच ठीक। यदि काईएम ऋणात्मक है तो पदार्थ प्रचुंबकीय होगा यदि काईएम धनात्मक व छोटा है तो पदार्थ प्रचुंबकीय होगा और यदि काईएम का मान धनात्मक व बड़ा है बहुत ज्यादा है तो पदार्थ की जो प्रकृति होगी वो लौह चुंबकीय होगी। फैराडे ने पदार्थों को तीन भागों में बांटा था कौन कौन प्रचुंबकीय अनचुंबकीय लौह चुंबकीय बता देंगे किन पदार्थों को प्रचुंबकीय कहा गया किन पदार्थों को अनचुंबकीय कहा गया और किन पदार्थों को लौह चुंबकीय कहा गया ठीक। इसके बाद ध्यान दीजिए आपेक्षिक चुंबकशीलता μr आपेक्षिक चुंबकशीलता
चुंबकशीलता म्यू आर व चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति काई एम में रिलेशन, मतलब आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर और चुंबकीय प्रवृत्ति एक दूसरे से रिलेटेड है किस प्रकार, ये बताना है क्या फॉर्मूला है। आपने पढ़ा बी वेक्टर एच वेक्टर आई वेक्टर में संबंध, या एच वेक्टर बी वेक्टर आई वेक्टर में क्या संबंध पढ़ा, उस संबंध से हेल्प करेंगे। क्या पढ़ा बताइए, एच वेक्टर का बी वेक्टर व आई वेक्टर में संबंध से, बताइए इन तीनों में क्या संबंध है। इन तीनों में संबंध है एच वेक्टर बराबर बी वेक्टर अपान म्यू नॉट माइनस आई, एच बी आई में ऐसा संबंध है। और थोड़ा यहां से ध्यान देंगे, म्यू आर का सूत्र बताया था बी वेक्टर अपान एच वेक्टर है कि नहीं, म्यू आर बराबर होता है बी वेक्टर अपान एच वेक्टर, ठीक। और म्यू आर का एक और सूत्र है म्यू आर बराबर म्यू अपान म्यू नॉट, कहीं पर अगर म्यू आर बराबर म्यू या म्यू अपान म्यू नॉट मिलेगा तो उसके स्थान पर हम म्यू आर रखेंगे। फिर दूसरा म्यू का सूत्र क्या है, बी वेक्टर अपान एच वेक्टर, म्यू आर का फॉर्म म्यू बटे म्यू नॉट, और म्यू का क्या है बी वेक्टर बटे एच वेक्टर, और काई एम का सूत्र क्या है आई वेक्टर अपान में एच वेक्टर, ये काई एम का सूत्र। वो तीनों आपको सूत्र याद रखने का संबंध आ जाएगा। ध्यान देते हैं कि भाई सबसे पहले आई को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, बी वेक्टर अपान म्यू नॉट बराबर बचेगा क्या, एच वेक्टर प्लस आई बचेगा, बी वेक्टर अपान म्यू नॉट इक्वल टू आएगा एच वेक्टर और प्लस आई वेक्टर। यहां से हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको म्यू नॉट एच प्लस आई, चाहो तो आप यही संबंध यहीं पर लिख सकते हो कि बी वेक्टर बराबर म्यू नॉट एच प्लस आई। अब क्या करें, देखिए सबसे पहले हमने एच वेक्टर यहां से कॉमन लिया, यहां से एच वेक्टर बाहर करो क्योंकि हमें बनाना है आई अपान एच, तो आई अपान एच तभी आ सकता है जब एच कॉमन ले लोगे, तो क्या लिख सकते हैं इसको बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट एच कॉमन ले लें, एच कॉमन हो गया तो वन प्लस आई अपान क्या आ गया एच आ गया आई अपान एच, ठीक वन प्लस आई अपान एच आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस एच को बी के बटे में ले आए, ठीक इधर कर देते हैं ध्यान देना, या इधर कर देते हैं इसको मिटा दे रहे हैं, याद रखना क्या करेंगे बी अपान एच इक्वल टू आएगा म्यू नॉट वन प्लस आई अपान एच, ठीक। अब देखो आपके पास ऐसे अनुपात लग गए, बी अपान एच को हम लिखते हैं म्यू चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र प्रमाण बी वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को क्या कहते हैं चुंबकशीलता कहते हैं, और ये आपका क्या है म्यू नॉट वन प्लस आई अपान एच क्या है आई अपान एच हो गया म्यू सॉरी काइम, आई अपान एच क्या हो गया काइम, चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को काइम कहते हैं, ठीक। यहां से क्या आएगा म्यू नॉट म्यू अपान म्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगा वन प्लस काइम, म्यू अपान म्यू नॉट क्या हो गया म्यू अपान म्यू नॉट हो जाएगा म्यू आर, तो सूत्र बन गया म्यू आर बराबर वन प्लस काइम, ठीक। आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति में ऐसा संबंध है म्यू आर बराबर वन प्लस क्या काइम, देखो काइम का भी कोई मात्रक नहीं है, क्यों क्योंकि इसका भी सूत्र है चुंबकन की तीव्रता आई वेक्टर चुंबकन क्षेत्र एच वेक्टर, इनका रेशियो लिखा है दोनों के मात्रक सेम होते हैं तो इसका भी कोई मात्रक नहीं आएगा, ठीक। तो ऐसा संबंध होता है म्यू आर बराबर वन प्लस काइम। देखिए प्रचुंबकीय पदार्थों के लिए म्यू आर का मान एक से कम होता है इसलिए काइम ऋणात्मक आएगा,
अचूंकी पदार्थों के लिए व्यवहार का मान धनात्मक होता है ठीक, या एक से बड़ा होता है तो काईएम धनात्मक निकलेगा, और व्यवहार का मान लौह चूंकि पदार्थों के लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा होता है एक से बहुत बड़ा, इसलिए काईएम का मान धनात्मक और बड़ा निकलेगा ठीक। अब ऐसे मान लीजिए कभी व्यवहार और काईएम पर आधारित कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए, जैसे मैंने लिख दिया एक पदार्थ की चूंकि प्रवृत्ति, ध्यान देना एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति 10^-4 है, समझ लेना 10^-4 कितनी है 4। पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करो, आपेक्षिक चुंबकशीलता ज्ञात करो, पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा प्रकृति ज्ञात करो, मतलब पदार्थ की प्रकृति क्या है, पदार्थ अचुंबकीय है लौह चुंबकीय है प्रचुंबकीय क्या है, प्रकृति ज्ञात करो ठीक। अब बताओ आप लोग कैसे करेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति का अर्थ है काईएम आपको दिया है 10^-4, 10^-4 और आपेक्षिक चुंबकशीलता पूछ रहा है ठीक है, और आपेक्षिक चुंबकशीलता के साथ पदार्थ की प्रकृति पूछ रहा है, ये बात हमसे पूछी गई। तो सूत्र है हमारे पास म्यू आर बराबर 1+ काईएम ठीक। तो बोलो क्या करते हैं, 1+ काईएम का मान 10^-4 लिख दिया, अगली लाइन में लिख दिया 1×10^-4 गलत हो गया ठीक, इसलिए क्या करेंगे म्यूआर इक्वल टू 1+ काईएम का मान ऐसे मत रखो, इसको हम लिख सकते हैं 0.001, काईएम को क्या लिख सकते हैं 0.001, तो यहां पर लिख दो 0.001। अब जोड़ लो ठीक, अब जोड़ देंगे भाई, हो सकता है सब ना भी जोड़ पाए, व्यवहार करो 1+ तो 1.000 क्या हो जाएगा, प्रकृति जरा पहचानो, इसको देखकर पहचान करोगे, काईएम धनात्मक और छोटा है तो पदार्थ अचुंबकीय होता है, या आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से बड़ी है मतलब एक से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं एक से ज्यादा है तब भी अचुंबकीय, दोनों से जान सकते हैं, जब काईएम धनात्मक व छोटा होता है, देखो धनात्मक है छोटा तो है धनात्मक है, काईएम ऋणात्मक है तो प्रचुंबकीय पदार्थ, काईएम धनात्मक है तो अचुंबकीय पदार्थ, धनात्मक छोटा काईएम बहुत ज्यादा है बड़ा है धनात्मक है तो पदार्थ जो है लौह चुंबकीय होगा, या व्यवहार से भी जान सकते हैं, यदि व्यवहार इज लेस देन 1 तो पदार्थ प्रचुंबकीय, यदि व्यवहार इज ग्रेटर देन 1 तो पदार्थ अचुंबकीय, यहां पर एक से बड़ा मिल रहा है तो पदार्थ अचुंबकीय होगा, ऐसे लिख दो चूंकि काईएम ठीक धनात्मक व छोटा इससे भी पहचान गए, और व्यवहार इज लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1 तो अतः पदार्थ क्या होगा अनचुंबकीय होगा, पदार्थ क्या होगा अनचुंबकीय होगा, पदार्थ की प्रकृति अनचुंबकीय हो गई और पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हो गई 0.000 ठीक।